हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। आज फिर से हम लोग हाजिर हैं एक और नए सेट के साथ जिसका नाम है सेट नंबर 9। ठीक है, इसके पहले दो सेट के वीडियो, इसके पहले के जो सेट है उसका वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, बीपीएससी स्पेशल प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जो पितृपक्ष में भव्य और विशाल मेला लगता है किस स्थान पर लगता है? औरंगाबाद में, सुपौल में, मधुबनी में या गया में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली मेरठ अष्टलेख पहले कहाँ था? मेरठ में, लाहौर में, इलाहाबाद में या अमरावती में? तो दिल्ली मेरठ अष्टलेख जो है तो पहले मेरठ में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रियासत काश्तकारी अधिनियम को अन्य किस अधिनियम के नाम से जाना जाता था? महलवाड़ी कानूनी कानून, रैयतवाड़ी कानून, बटाईदार कानून या भू सुधार कानून? जो रियासत काश्तकारी अधिनियम था इससे पहले बटाईदार कानून के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1931 में, 33 में, 35 में या 37 में? तो आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि थंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार राज्य किस संग्रहालय में सुरक्षित है? पटना संग्रहालय में या वैशाली, गया या दरभंगा किस संग्रहालय में संरक्षित है? इसका सही जवाब होगा गया में। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि थंका शैली किस प्रकार की शैली है? राजपूत शैली है, तिब्बती शैली है, यूनानी शैली है, मुगल शैली है? तो जो थंका शैली है ये जुड़ी हुई है तिब्बती, ठीक है, इसको तिब्बती शैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जनपद को अमात्य शिशुनाग था, सॉरी किस जनपद का अमात्य शिशुनाग जो था वो किस जनपद का था? काशी जनपद का, उज्जैन का, अमरावती का या मथुरा का? तो जो अमात्य सेन था ये था काशी महाजनपद का। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंबसार, कालाशोक या उदिन? तो जो शिशुनाग वंश था इसके बेस्ट शासक का बात किया तो ये था कालाशोक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि मिथिला शैली में हंस की और मयूर की आकृति किसका प्रतीक है? ठीक है, धन का, शांति का, ध्यान का या रहन सहन का? तो जो मिथिला शैली में हंस और मयूर की आकृति है ये डिनोट करता है शांति को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। सिद्धार्थ गृह त्याग के समय उनका सारथी कौन था? भ्राती, भात्री, उपाली, छंदक या कुषाण? तो जो ये घर छोड़ रहे थे तो इनका जो सारथी था वो था छंदक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ गृह त्याग के समय जो अश्व उनके साथ था उसका नाम क्या था? कंथक, चेतक, आप्राण या ग्रहण? तो सिद्धार्थ गृह त्याग के समय जो अश्व था यानी घोड़ा, जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धू और कन्हू जो दो भाई थे जिन्होंने विद्रोह किया था, आदिवासी विद्रोह, उनको फांसी कहाँ दी गई थी? खूंटी में, बरहेट में, चुट्टूपाले या धुरवा में? ठीक है, तो उनको फांसी दी गई थी बरहेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मतिथि के अवसर पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? प्रकाश पर्व, ज्ञान पर्व, तीज पर्व या सत्य पर्व? तो 10वें गुरु गोविंद, जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह की जन्मतिथि पर जो त्यौहार मनाया जाता है उसका नाम है प्रकाश पर्व। यह हर साल पटना में बड़े धूमधाम से पटना साहिब में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्र में कृषक धान के साथ किस फसल का उत्पादन करता है? सरसों का, गन्ना का, गेहूं का या ज्वार का? ठीक है, जहाँ पे सिंचाई होता है वहाँ पे कृषक धान के साथ एक फसल को मिक्स करता है जिसका नाम होता है गेहूँ।
ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन है कि सिमरिया मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है, गया में, बरौनी, मधुबनी या सहरसा। तो जो सिमरिया मेला जो बिहार का फेमस मेला ये, और इसका आयोजन होता है बरौनी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति के पिता का नाम क्या था, गणेश ठाकुर, शिव शंकर ठाकुर, गणपति ठाकुर या लक्ष्मण ठाकुर, ठीक है। तो विद्यापति के पिता का नाम था गणपति ठाकुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन, सितंबर 2009 में आरंभ अक्षर आंचल योजना का उद्देश्य क्या है, महिला साक्षरता में वृद्धि, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता या ABC तीनों, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं में साक्षरता में वृद्धि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छिन्न मस्ती का मंदिर उच्छैठ मठ, उच्छैठ कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में, गया में, मधुबनी में या बक्सर में। तो जो छिन्न माँ छिन्न मस्तिका का मंदिर है यह स्थित है मधुबनी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार का पहला शासक कौन सा था, इब्राहिम शाह या इस्लाम शाह, शेख हिस्मत शाह या शेर शाह। तो जो बिहार का पहला शासक जो कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा उसका नाम शेर शाह था, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार में अभी तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 6 बार, 7 बार, 8 बार या 9 बार। इसका सही जवाब होगा 8 बार, ठीक है फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 20 प्रश्नों को कर लिया है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।